Hey boss. Hi. Hey guys, welcome back my vlog channel. Good morning. और मैं तो बहुत बड़े हूँ, आई होप आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे. और आज हम जा रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप पर. मैं बॉस सचिन और एक दूसरा फ्रेंड है वांगन का, कल्पेश. लो भाई, इस बात की इतना साहबजा देखी, अभी तो आया नहीं. कॉल लगा उसे. हे सीरी, कॉल टू सचिन. कॉलिंग सचिन आवा मोबाइल. अच्छा भाई, तेरा नाटक क्या है? हा? क्या है नाटक? टाइम पर नहीं है भाई. दिखाई भी नहीं देता. अभी गियो, अभी गियो, दिखाई भी नहीं देता. ये हमारा साहबजादा. चलो, तीन जन हो गए, अब चौथे बंदे को लेना बाकी. उसे भी कॉल कर देता हूँ. हेलो, गुड मॉर्निंग भावस. हाँ, गुड मॉर्निंग. ये वाला बेचारा का नहीं तो आओगे ना आप? हाँ भाई, सुबह से कितने फोन कर चुका हूँ आपको. कितने बिजी रहते हो? काम ही इतना है तो क्या करें. हाँ तो आओ, दिखाता हूँ आपको काम. डंडा लेके आ रहा हूँ यहाँ से ही. और थोड़ा नाश्ता भी लेके आना. अरे आपकी फरमाइश सड़कों पर. ओके. तो जो सामान लेना था हमने ले लिया और अब निकल रहे हैं. और हाँ, एक बात तो बताना भूल गया कि हम जा कहाँ रहे हैं. एक छोटी सी ट्रिप है हमारी. मैं, बॉस और सचिन फिलहाल निकल रहे हैं यहाँ से भवन दगड़ के लिए. भवन दगड़ करके एक गांव है, तो वहाँ पर हमारा दोस्त आ रहा है कल्पेश. उसे उठाएंगे और निकलते हैं उस ट्रिप के लिए. और थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा उस ट्रिप के बारे में. एक दोस्त है ना, वो कब से फोन नहीं उठा रहा. आने दो, वहीं पर है. ऐसी पिटाई करूंगा ना उसकी. सचिन दिखा उसको, वो आ रहा है. आने दो, बहुत तोड़ाऊंगा उसे, बहुत तोड़ाऊंगा झील. आने दो उसे, आने दो. अरे यार, कब से फोन कर रहे हैं उसे, एक भी फोन नहीं उठाया उसने. हंस रहा है. अरे भाई, ओके तो हम आ गए हैं भवन दगड़ दोस्त को लेने. और दोस्त भी आ गया है. हम सब जने आ गए टाइम पर. और अब चाय पी के निकलेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा सफर है. तुम जा रहे हैं अमसर ओडन, जो शायद ही आप सभी ने देखा होगा. गाइस, हम आ गए हैं कड़म डूंगर. और आपको ये सब देखने को मिलेगा यहाँ पर. देख सकते हो मेरे दोस्त लोग. चलो एक्सप्लोर कराते हैं आपको कड़म डूंगर. इस तरह के कुछ एंट्रेंस है यहाँ और लिखा है कड़म डूंगर देवस्थान.
यहाँ अगर सबसे ज्यादा खुश वो है सिर्फ एक इंसान, ये इस भाई साहब को नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। और स्पेशली आज उसी ने कहा था कि मुझे कोई ऐसी जगह ले जाओ जो मैंने कभी देखी नहीं होगी। सबसे पहले मुझे याद आया कि सिर्फ गांव में एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो नहीं गया, तो वो जगह ये है कलमकांडा। और कुछ इस प्रकार का मंदिर है मेरे भाई लोग दर्शन करते हुए। गाड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने टी शर्ट निकाल ली। पहाड़ी इलाका होने के कारण बहुत ज़्यादा ठंड है और अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है इसलिए चढ़ने में इतना थकान नहीं महसूस हुआ। गाइस सच कहूँ मैं अपने आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रहा, इतना अच्छा व्यू लग रहा है क्या बताऊँ आपको। मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, शायद मैंने ये बात दूसरी बार आपको बताई, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ, आपको ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए। ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आते शायद, क्योंकि कड़म डूंगर के बारे में शायद किसी को पता नहीं। और व्यू देखिए आप, कितना बढ़िया व्यू है यहाँ पर, क्या बताऊँ इसके बारे में। और हमें जल्द से जल्द ऊपर जाना है उस पहाड़ी तक, क्योंकि बहुत सारी बारिश आ रही है, आप देख सकते हो चिल बस, देखो वो बारिश। और जो मेन मंदिर है वो इस रास्ते से जा सकते हो आप, तो हम जाएंगे उसे भी एक्सप्लोर करें, आए हैं तो सब देखकर ही जाएंगे। सो गाइस अल्पेश का कहना ये है कि कड़म डूंगर का जो मेन देव यानी भगवान है वो यहाँ पर स्थित है। गाइस यहाँ पर गुफा है और गुफा के अंदर मेन जो देवी देवता का यहाँ पर है वो गुफा के अंदर है। हालांकि हम गुफा के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि बहुत छोटी सी जगह है, केवल यहाँ के पुजारी जी ही जाते हैं इसमें दर्शन करने के लिए। गाइस आपने कभी भी लाइव बारिश आते हुए नहीं देखी होगी, ये देख सकते हो जो जंगलों के ऊपर से बादलों से गिरती हुई बारिश आ रही है हमारी ओर तेजी के साथ, और आपको हम वो लाइव दिखा रहे हैं। सच को ये सब आपको कहीं और नहीं दिखने को मिलेगा, डांग एक ऐसी जगह है जहां पर ये सब आपको देखने को मिल सकता है। तेज हवा के साथ आ रही है बारिश, आई होप कि बारिश जल्दी चली जाए क्योंकि हमें और दूसरी जगह पर जाना है। ये देख सकते हो बारिश बहुत ही तेजी के साथ आ रही है और हमारे छुपने का एक ही आसरा है, इसके नीचे हमें छुपना होगा। ओए एमा चलो, बहु वर्षा आवानो छे, हाँ चलो हमें भागना होगा क्योंकि यहाँ बहुत तेज बारिश आ रही है, उस मंदिर में जाकर छुपेंगे। दौड़ो 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 दौड़ो। तो बारिश जा चुकी है गाइस और आप देख सकते हो व्यू, इतना सारा फॉग यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। अब तक इतना सारा जबरदस्त व्यू यहाँ पर था, पूरा पूरा गायब हो चुका है और धीरे धीरे से बादल जा रहे हैं दूसरी ओर और डेफिनेटली व्यू धीरे धीरे से खुल रहा है आप देख सकते हो। और हमें अभी भी ऊपर जाना है तो ऊपर जाके मिलते हैं आपको। वेलकम टू कड़म डूंगर। गाइस हमारा ये कड़म डूंगर वाली ट्रिप अब यहाँ पर ख़त्म हो रही है। तो गाइस मैं इस कड़म डूंगर के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। कल्पेश के पास अभी अभी मुझे थोड़ी जानकारी मिली कि
हर नए साल के दिन यहाँ पर एक मेला लगता है और बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ पर मेला एंजॉय करने के लिए आते हैं। दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक यहाँ पर मेला लगता है और डांगी डांस, डांगी नृत्य जैसे बहुत सारे डांसेस यहाँ पर किए जाते हैं जो डांगी संस्कृति के हिसाब से जो भी सारे डांस है वो सारे यहाँ पर किए जाते हैं। तो आई होप कि आप जरूर वो एक्सप्लोर करने के लिए आएंगे, वो एंजॉय करने के लिए आएंगे। ऐसी जगह पर हम खाना खाने के लिए आए हैं, आपको दिखाऊंगा, बहुत ही सुंदर जगह है। तो हमने सब घूम लिया है और अब घर के लिए जा रहे हैं और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जरूर एक बार तो आइए, विजिट कीजिए कड़म डूंगर, बहुत ही जबरदस्त वहाँ पर आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप डांग विजिट करते हो तो एक बार जरूर जाना वहाँ पर और जरूर एक्सप्लोर कीजिए कड़म डूंगर। गाइस फाइनली हम भी घर आ चुके हैं और आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो इस बार जरूर आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।